नमस्कार, सरल विधि में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और एनसीएलटी में जो अमेंडमेंट हुआ है, आईबीसी में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसके धारा 7 में अमेंडमेंट किया गया है। और इस अमेंडमेंट का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर आपने रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और आप एग्रीव्ड हैं, मतलब आप व्यथित हैं, दुखी हैं, बिल्डर से या तो बना नहीं रहा है या बनाने में बहुत देरी कर रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और ज़रूर देखें। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसके पहले क्या होता था, इस अमेंडमेंट के पहले क्या हुआ करता था। इसमें ऐसा था कि जब मान लीजिए अगर आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट या अपार्टमेंट बुक किया है और बिल्डर नहीं बना रहा है, उसको बनाने में देरी कर रहा है, तो आप क्या करते थे, आपके पास एक राइट था, एक अधिकार था कि आईबीसी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत आप उस बिल्डर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करा सकते थे, मतलब उसको दिवालिया घोषित करवा सकते थे, अकेले ही आप घोषित करवा। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? अब अगर आप अपने बिल्डर से व्यथित हैं, दुखी हैं, एग्रीव्ड हैं, तो आप अकेले अब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू नहीं करा सकते, या उस बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की एप्लीकेशन एनसीएलटी में अकेले नहीं लगा सकते। जो अमेंडमेंट आया है उसमें बताया गया है कि अगर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कराना है, सीआईआरपी बोलते हैं, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, अगर आपको शुरू कराना है तो कम से कम 100 लोग होने चाहिए। 100 लोगों का एक समूह, एक ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप एनसीएलटी में जाके सीआईआरपी की प्रोसेस को शुरू करा सकता है, उस बिल्डर को दिवालिया घोषित करवा सकता है, या 10% ऑफ द टोटल अलॉटीज। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 150 1500 फ्लैट्स थे, तो या तो 150 लोग या तो 100 आदमी, जो भी कम है, तो 100 कम है। जहां पर अगर 1500 फ्लैट्स हैं वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 लोगों का एक समूह बनना चाहिए सीआईआरपी शुरू करने के लिए। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 850 ही अलॉटीज हैं, तो वहाँ पर 85 लोगों का एक ग्रुप बन सकता है जो कि सीआईआरपी की प्रोसेस को शुरू करा सकता है, इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अब क्या हुआ कि ये जो अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट के खिलाफ अलॉटीज ने, अलॉटीज के एसोसिएशन ने, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ रुख किया और कहा कि साहब यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। आपको संक्षेप में बता दूँ, संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक ही दृष्टि से देखा जाएगा। कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करा जाएगा। तो कानूनी रूप से हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अब जब लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो यहाँ पर 3 जजों की बेंच बनाई गई थी, जिसमें जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस नवीन सिन्हा, इन 3 की बेंच थे जिन लोगों ने इस फैसले को सही बताया और कहा कि नहीं, अनुच्छेद की धारा 14 का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा, आर्टिकल 14 का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रियल इस्टेट प्रोजेक्ट से व्यथित कोई भी व्यक्ति रेरा न्यायालय या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्यवाही करके न्याय प्राप्त कर सकता है। बहुत से विशेषज्ञों ने भी, कानूनविदों ने भी माना कि साहब ये जो आदेश है माननीय उच्चतम न्यायालय का, ये व्यावहारिक है और न्याय संगत भी है। और जहां तक 100 व्यक्तियों या ये जो समूह की बात कही गई, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि लोगों को अपना एक समूह बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, एक सिस्टम की बात यहाँ पे कही गई है। टीम सरल विधि कि अगर बात कहें तो मुझे लगता है
कि आप अपने खून पसीने की कमाई को आप चाहते हैं कि उसका आपको प्रतिफल मिले। बिल्डर को आप नहीं चाहते कि सलाखों के पीछे चला जाए, परेशान हो, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा किसी, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो लोग भी आते हैं पहले तो बहुत गुस्से में रहते हैं, नहीं साहब मुझे तो बिल्डर को ही सलाखों के पीछे कराना है, लेकिन जब एक कप चाय पीते हैं, एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं सर ठीक है, मेरा या तो घर मिल जाए या मुझे मेरे पैसे विथ इंटरेस्ट मिल जाए, जो भी मेरा है वो मुझे मिल जाए। तो टीम सरल विधि का मानना है कि अगर आप व्यथित हैं, एग्रीव्ड हैं अपने बिल्डर से, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, रेरा जाइए, सुनवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर और बहुत फास्ट रिड्रेसल किया जाता है रेरा में भी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी काम हो रहा है, और अब तो ऑनलाइन काम होने लगा है, अब तो बहुत ईजी हो गया है, घर बैठे बैठे आप अपने, आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं ही केस को स्टडी करिए, जज करिए और आप अपने पक्ष को खुद ही रख सकते हैं। ऑनलाइन आप घर में बैठे बैठे ऑफिस में जो भी आपका टाइम आता है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये आपको बतानी कि अमेंडमेंट के बाद अब आईबीसी के तहत एनसीएलटी में आप सीआईआरपी शुरू नहीं करा सकते। अब इसको शुरू कराने के लिए, अपने बिल्डर को दिवालिया घोषित कराने के लिए कम से कम 100 लोगों का समूह या 10% ऑफ द अलॉटीज का समूह आपको बनाना होगा। थैंक यू।